कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने सवाल किया कि देश में वैक्सीन की किल्लत है तो केंद्र सरकार वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम यह नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपना टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। नई दिल्ली से आरके जायसवाल की रिपोर्ट। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था, कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया, कितनों ने अपने मां भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है।